सिंथेटिक डोर दे करके कई किस्से ते कई घटनावां हुंदियां ने जो साडे सामने आम देखण नूं मिलदियां ने। कई वारी राह ते चलदे फिरदे ही लोकां दे नाल सिंथेटिक डोर दे करके कई सारे मंदभागी हादसे भी होए ने। इसे दे नाल नाल जे गल कर लईए तां इस सिंथेटिक डोर ने इत्थों तक कि कई व्यक्तियां दीआं जानां भी दित्तियां होईआं ने। सो इस डोर नूं लै के काफ़ी सारे मुद्दे भी लगातार समें दी दौर दे नाल भखदे नज़र आए ने। ते जे हुण गल कर लईए समें दी तां लोहड़ी दा समां बेहद नज़दीक है ते इस वेले ही सारियां दे वल्लों गुड्डियां पतंगां डाइयां जांदियां ने ते इस दे वास्ते डोर दी वरतों कीती जांदी है। तां मुख तौर दे उत्ते जे गल कर लईए तां चाइना डोर यानी कि सिंथेटिक डोर दे उत्ते बिल्कुल ही रोक लगी हुई है सरकार वालों कि इस डोर की विक्री ना की जाए। पर कुछ लोग अजे भी यह जे मौजूद ने जो अपना मुनाफा कमाने लिए चाइना डोर नू जरूर बेचते हैं। तो इस दे खिलाफ जे गल कर लिए पुलिस की तो पुलिस भी इस मामले ते सख्त हुंदी हुई नज़र आ रही है। गुरदासपुर दे विच भी अजिहा मंजर नज़र आया जिस विच पुलिस ने एक्शन लेंदे हुए सिंथेटिक डोर दे विक्रेता दे खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। इसे दे चलते हुए सब तो पहला तो पुलिस वालों तोड़े भर भर के उत्थों चाइना डोर दे बरामद किए गए ने। उस तो बाद जे गल कर लिए विक्रेता दी जो कि मुलजम किया जा रहा है इस मामले दे विच तां उस दे खिलाफ मामला भी दर्ज किया है अते पुलिस ने उहदी गिरफ्तारी भी की है। इस पूरे मामले संबंधी होर वधेरी जानकारी सांझी करदे हुए पुलिस अधिकारियों ने की कुछ दस्या है, आओ तुहानूं सुणाउने हां। इह वेखो जी, मानयोग डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ते SSP साहब बटाला उन्हां दे दिशा निर्देशां अधीन जिहड़ा ये चल रहा सी जिहड़ा सारा कुछ जिन्हां ने चाइना डोर दी उन्होंने कहा सी जिथे भी चल रही विक्रेता उन्होंने रेड करो ते जो मनुखी जाना जा रही ने पशु पक्षी जिहड़े विचारे उन्हां दीआं जाना जा रही ने उन्होंने बचाउण दी खातर ये सानू सीक्रेट इनफॉर्मेशन मिली सी। ये ध्यानपुर ते जिहड़े हैगे ने श्री नरेंद्र कुमार जी नंदू पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार जी इन्हां दी रेडीमेड की दुकान है नाले आतिशबाजी की दुकान इन्हां दी ते असी रेड किया उत्थे इन्हां दे गोदाम ते ते सानू पांच तोड़े जिहड़े आ ओह गट्टूआं दे मिले ने ते इन्हां दे दसण मुताबक जिहड़ा हैगा सी ओह एक तोड़े दे विच 60 गट्टू सी। ठीक है जी, एक जिहड़ा तोड़ा ओह लूज़ आ ते प्रोपर गिनती करके इनवैसटीगेशन चल रही आ। उस तों बाद असी तुहानूं जिहड़ा दस दित्ता जाएगा ते इलाके दे विच मैं तुहाडे माध्यम राहीं अपील करदा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 102 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 188 IPC ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਗੱਟੂ ਜਿਹੜੇ? ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 60 ਨੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ 250-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਨੇ, ਇੱਕ ਲੂਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ ਮੀਮੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋ ਰਹਾਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ताज़ा अपडेट के लिए साड़े YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, Facebook चैनल को लाइक और शेयर करो।